हे गाइस वेलकम बैक। तो ये है बोट का बोट रॉकर 255 प्रो प्लस। एक क्विक सा जो है रिव्यू देने का प्रयास करते हैं। एक साल से ज़्यादा जो है इसका यूज हो चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम वगैरह अभी तक आया है कि इसका जो है वायर जो है अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखोगे तो डैमेज वगैरह हो गया, तार वगैरह निकल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा रफली यूज किया गया है और कुछ इस तरह का कंडीशन अभी आपको जो है देखने को मिल रहा है इस वाले में। तो एक साल तक बहुत रफली यूज किया गया एज ए डिलीवरी बॉय, जिसे जो है यूज किया गया है, मतलब सुबह निकला तो गले में रहा, शाम को घर आया तब जो है इसको निकाला गया, मतलब ऐसा मान के चलो कि 12 घंटे के आसपास लगातार जो है दिन भर जो है ये यूज रहता है। तो ऐसे करके जो है इसको यूज किया गया है, काफी रफली यूज किया गया, उसके बाद ऐसा कंडीशन कुछ इस तरह से। बट अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो शायद कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप 5 घंटा 6 घंटा रोज यूज करते हो और यूज करके उसको निकाल देते हो तो शायद इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसका जो केबल की क्वालिटी है ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही सुपर्ब नहीं है, लेकिन जो है अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा रफली यूज करोगे, ठीक है, आप अगर कहीं बाइक वगैरह में हर समय रहते हो इसको आप गले में रखोगे हर समय, तो कुछ इस तरह का जो है आपको इसका जो वायर वगैरह जो है कुछ इस तरह का आपको जो है डैमेज देखने को मिल सकता है। तो ये है अभी तक का एक्सपीरियंस एक साल का। और बाकी बात करें तो एक साल तक जो है इसको यूज करने के बाद जो है इस पर जो है मतलब कॉलिंग क्वालिटी वगैरह जो है कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, बहुत ही सुपर कॉलिंग क्वालिटी होता है बाइक वगैरह में, इवन आपको जो है बहुत ही स्मूथ सा कॉलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो उस तरह का भी है। और बाकी साउंड क्वालिटी वगैरह अभी भी आप देखोगे रेटिंग वगैरह जो है 4 लाख के आसपास रेटिंग हो चुका है, उसमें भी जो है एक अच्छा खासा जो है साउंड क्वालिटी और बेस को मेंटेनेंस करके रखा है, जो कि एक बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। बहुत सारे आप देखोगे ब्लूटूथ नेकबैंड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो इस तरह का मेंटेनेंस नहीं करता इतना हाई फाई रेटिंग होने के बाद, ठीक है, तो 20-30 हज़ार तक रेटिंग होता तो आपको जो हाई फाई रेटिंग देखने को मिलेगा, लेकिन 4 लाख 5 लाख रेटिंग हो चुका है उस पर भी जो है 4-4 का मेंटेनेंस करना साउंड क्वालिटी बेस, तो एक बड़ी बात है और वो चीज़ डिजर्व करता है ये। साउंड क्वालिटी क्लैरिटी वगैरह बहुत ही मतलब इस प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन वही है कि जो प्राइस पे आता है 1000 से 1500 रुपये के आसपास, तो 1000 से 1500 रुपये में जो है ना ये उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था, मतलब बहुत पहले लॉन्च हुआ था उस टाइम, तो ये नंबर वन था, कोई डाउट नहीं था, लेकिन आज के समय की बात करें तो आपको जो है 1000-1500 में आपको बहुत सारे नेक बैंड्स मिल जाएंगे, रियलमी का हो गया, डीजो का हो गया, ओप्पो का भी जो है ये वन देखने को मिल जाएगा, तो बहुत सारे नेक बैंड्स हैं जो इससे भी बेटर आपको साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करा देगा, इससे भी तगड़ा बेस आपको प्रोवाइड करा के दे देगा, तो वो चीज़ है। लेकिन जो इसका बैटरी बैकअप है 40 घंटे का वो बहुत तगड़ा है और जो फास्ट चार्जिंग है 10 मिनट में 10 घंटे का बैटरी बैकअप, मतलब 10 घंटे चार्ज 10 मिनट चार्ज करते हो तो 10 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिलता है, वो चीज़ जो है अभी भी जो है बहुत सारे नेकबैंड्स में 1000-1500 में आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि अभी तक जो है ये मतलब बहुत ही पावरफुल है, बोट में ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन अदर ब्रांड में जो पॉपुलर ब्रांड है वो सब में अभी भी जो है यहाँ पर 40 घंटे वाला बैटरी बैकअप 1000-1500 के बीच में देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका फास्ट चार्जिंग 10 मिनट चार्ज करने पर 10 घंटे का बैटरी बैकअप अभी भी जो है तगड़ी वाली बात है, तो मेरे हिसाब से जो है अभी भी आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है, अभी भी जो है ये मतलब बहुत पुराना नहीं हुआ है और ठीक ठाक जो है, अगर कॉलिंग आपका बेसिक पर्पस है, लॉन्ग टर्म बैटरी चाहिए, लंबा बैटरी चलना चाहिए, ठीक है, तो उस पर्पस से आप इसको परचेस कर सकते हो, मतलब सुपर है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आप रनिंग वगैरह जॉगिंग वगैरह के लिए आप जो इसको अगर परचेस करोगे तो उसके लिए भी जो है सही सा फिट हो जाता है, तो उसके लिए भी सही है, बेस वगैरह ठीक है, ठीक है, मतलब साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन आपका जो है प्रायोरिटी है कि आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत तगड़ा चाहिए और बेस क्वालिटी भी जो है बहुत हाई फाई चाहिए, मतलब बहुत तगड़ा बेस चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो उस मामले में बोलूँगा कि यहाँ पर अभी आप जो है रियलमी का 2S वाला जो है ये परचेस कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको ऑफर वगैरह में जो है ये आपको 1200 के आसपास देखने को मिल जाता है, 1200-1300 रुपये में। उसके अलावा जो है रियलमी का रियलमी वायरलेस 2 न्यू करके कुछ शायद ऐसे है, तो उसको भी परचेस कर सकते हो। बाकी डीजो का भी ये वाला परचेस कर सकते हो, तो ये आपको 1100-1200 के आसपास जो है ये सब मिल जाएगा, जो इवन इससे जो है थोड़ा सा जो है बेटर साउंड क्वालिटी और बेस आपको प्रोवाइड करके दे देगा, लेकिन बैटरी बैकअप वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बैटरी बैकअप वगैरह थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में आधा आधा देखने को मिलेगा, और फास्ट चार्जिंग वगैरह वो सब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसमें वाटरप्रूफ भी देखने को मिलता है, तो जनरली 1000-1500 में आपको ऐसे और अदर पॉपुलर ब्रांड में वाटरप्रूफ वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो है ये चीज़ है यहाँ पर।